लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, फिर बगल में घंटी को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें। अब तक की सबसे बड़ी खबर किशनगंज से। कांग्रेस के घर में एमआईएम ने लगाई सेंध। पूरी खबर जानने के लिए बने रहें सच के साथ चैनल में। मैं गुलाम रब्बानी आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जी हां, आपको बताता चलूं कि किशनगंज जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर ये एमआईएम ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दी है। जी हां, सबसे पहले मैं जीते हुए कैंडिडेट जो कमरुल हुदा साहब हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो जीत के लिए। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि किशनगंज जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर ये एमआईएम ने भारी बहुमत से कांग्रेस को हरा दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी है भाजपा के टिकट से जो प्रत्याशी थी स्वीटी सिंह, उनको 10,211 वोटों से हराया है। जी हाँ, स्वीटी सिंह दूसरे स्थान पर थी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कमल हुदा साहब टोटल वोट 70,469 लाए, वहीं पर स्वीटी सिंह दूसरे स्थान पर 60,258 वोट लाए और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही जो कि 25,285 वोट लाए। इस तरह से बुरी हार किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार होगी, जहां पर जो कि किशनगंज के जो माननीय सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब अपनी मां को टिकट दिलाए थे शहीदा बानो को, जो कि जिसकी कि बुरी तरह से हार हो गई। जी हां, इस तरह से हार किसी को उम्मीद नहीं थी। और एमआईएम की इस जीत से कार्यकर्ताओं में और पार्टी में बहुत ही खुशी है, क्योंकि पहली जीत हुई है बिहार में। एमआईएम की बिहार में अपना पहला खाता खोला है, अब दूसरे ज़िले में भी अपना कदम बढ़ाना चाहेगी ये एमआईएम, और उनको हौसला भी होगा क्योंकि पहली जीत हुई है। इस तरह से दो बार चुनाव हार चुकी है एमआईएम, इस सीट पे चुनाव लड़ चुकी थी। पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे तसरुद्दीन साहब, और किशनगंज से बिहार के जो अध्यक्ष हैं एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब भी चुनाव लड़े थे, उनको भी हार नसीब हुई थी। लेकिन ये जो उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में पहली जीत दिला करके एमआईएम में बहुत ही खुशी है और पार्टी मजबूत हुआ है किशनगंज से। तो ये थी सबसे बड़ी खबर। आपको खबर कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, खबर को शेयर करें, लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।